रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडर वर्ल्ड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अन्ना फायरस्टर ने एना फॉयरस्टर जो कि एक जर्मन वॉर्न अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविज़न सीनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड ओवराइट ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लिस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सैनमेटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वार्डमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्मस और डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकनसेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड हेड ने नेक्सिया का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको ये मूवी आएगी एंड यह मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो तो काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो तो जरूर से आपको पसंद आएगी आपको जरूर से अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को फाइव आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को सेवेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग uh, के बारे में उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हुलू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओ रीटी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडर वर्ल्ड व्लड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अंडर वर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्नों लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अन्ना फायरस्टर ने एना फायरस्टर जो कि एक जर्मन वार्न अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविज़न सीनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड ओवराइट ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिनसेल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लिस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट की है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वांडमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज है अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्मस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकिल सेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोबियास मैनजीस ने मारियोस का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड डेसी हेड ने क्सिया का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक, 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 एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको ये मूवी आएगी एंड यह मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो so, काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो so, ज़रूर से आपको पसंद आएगी आपको जरूर से अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई एम डी रेटिंग की तो आई एम डी पर इस मूवी को फाइव पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को 78 एट थाउजेंट एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो so यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग के बारे में उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हुलू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो so इन ओर टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडरवर्ल्ड वर्ल्ड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी अंडर ब्लड वॉर्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अना फायर ने एना फायर जो कि एक जर्मन वॉर्न अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविज़न सीमाइटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केएल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड ओवराइट ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिनसेल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लिस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वांडमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज है अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्मस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकन्सेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का कैरेक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड डेसी हेड ने क्सिया का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक, एक, एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज़ अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको ये मूवी आएगी एंड ये मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो so, काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो so, जरूर से आपको पसंद आएगी आपको जरूर से अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को फाइव पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को 78 एट थाउजेंट एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग के बारे में उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप अंडर ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हुलू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओर टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडरवर्ल्ड वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अंडर ब्लड वॉर्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही मैं आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कि डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अना फायरस्टर ने एना फायरस्टर जो कि एक जर्मन वार्न अमेरिकन फिल्म तो एंड टेलीविज़न सीनेमाइटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड वोराइट ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिनसेल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लिस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वांडमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्मस और डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकिनसेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड डेसी हेड ने एक्सिया का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक, एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद है, आपको ये मूवी आएगी एंड यह मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो ज़रूर से आपको पसंद आएगी आपको जरूर से अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को फाइव पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को सेवेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो so यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग uh, के बारे में उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आप अंडर ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हु के ओर टी पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडर वर्ल्ड वर्ल ब्लड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अंडर वर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को कि लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अन्ना फायरस्टर ने एना फॉयरस्टर जो कि एक जर्मन वार्न अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविज़न सीनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड वोराइट ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिनसेल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लिस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वांडमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्म और डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकनसेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने सामीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का कैरेक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड हेड ने नेक्सिया का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको ये मूवी आएगी एंड यह मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडर ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो ज़रूर से आपको पसंद आएगी आपको ज़रूर से अंडर ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को फाइव पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को सेवेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग uh, के बारे में उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आप अंडर ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हु के ओर टी पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू में रिलीज़ हुई मूवी अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडर वर्ल्ड वर्ल ब्लड वार्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अंडर वर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को कि लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अन्ना फायरस्टर ने एना फॉयरस्टर जो कि एक जर्मन वॉर्न अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविज़न सीनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइसमैन ने रिचार्ड ओवराइट ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लिस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सैनमेटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वार्डमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्मस और डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकनसेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड डेसी हेड ने एक्सिया का करेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक एक्शन एक एक हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज़ अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको ये मूवी आएगी एंड यह मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो so, काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो so, ज़रूर से आपको पसंद आएगी आपको ज़रूर से अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को फाइव आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को 78 एट थाउजेंट एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो so यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग के बारे में उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हुलू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो so इन ओर टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडरवर्ल्ड वर्ल्ड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अन्ना फायरस्टर ने एना फायरस्टर जो कि एक जर्मन वार्न अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविज़न सीनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड ओवराइट ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिनसेल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लेस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वांडमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज है अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्मस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकिल सेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड डेसी हेड ने क्सिया का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद है आपको ये मूवी आएगी एंड यह मूवी अंडर एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडर वर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडर वर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो so, काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो so, ज़रूर से आपको पसंद आएगी आपको जरूर से अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को फाइव पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को 78 एट थाउजेंट एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो so यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग के बारे में उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हुलू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो so इन ओर टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडरवर्ल्ड वर्ल्ड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अंडर ब्लड वॉर्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अना फायर ने एना फायर जो कि एक जर्मन वार्न अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविज़न सीमाइटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केएल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड ओ ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिनसेल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लिस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वांडमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज है अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्मस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकिनसेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर हाँ निभाया है एंड डेसी हेड ने एक्सिया का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज़ अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद है, आपको ये मूवी आएगी एंड ये मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो so, काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो so, जरूर से आपको पसंद आएगी आपको जरूर से अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को फाइव पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को सेवेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो so यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग uh, के बारे में उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हुलू के ओर टी पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओ प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडर वर्ल्ड व्लड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी अंडर वर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कि डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अना फॉयरस्टर ने एना फॉयरस्टर जो कि एक जर्मन वार्न अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविज़न सीनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केएल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड ओ ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पलवर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लेस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वांडमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्म और डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकिनसेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड डे हेड ने एक्सिया का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक, एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको ये मूवी आएगी एंड ये मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो तो काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो तो जरूर से आपको पसंद आएगी आपको जरूर से अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को 5.7 पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को 78,823 लोगों ने वोट्स भी किया है सो यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग के बारे में उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हुलू के ओर टी पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडर वर्ल्ड वर्ल ब्लड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अंडर वर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को कि लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अन्ना फायरस्टर ने एना फायरस्टर जो कि एक जर्मन वॉर्न अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविज़न सीनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और, और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड ओवराइट ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लिस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वांडमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेकश और एंटरटेनमेंट स्केच फिल्मस और डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो so उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकनसेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने सामीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड डेसी हेड ने एलैक्सिया का करेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक एक्शन एक एक हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको ये मूवी आएगी एंड यह मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो so, काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडर ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो so, ज़रूर से आपको पसंद आएगी आपको ज़रूर से अंडर ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को फाइव पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को 78 एट थाउजेंट एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग के बारे में उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आप अंडर ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हुलू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओर टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अन्ना फायरस्टर ने एना फॉयरस्टर जो कि एक जर्मन वॉर्न अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविज़न सीनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइसमैन ने रिचार्ड ओवराइट ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लिस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सैनमेटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वार्डमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्मस और डिस्ट्रीब्यूट की है इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकिनसेल ने सेलिन का करैक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड डेसी हेड ने एक्सिया का करेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक, 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 एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज़ अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको ये मूवी आएगी एंड यह मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो ज़रूर से आपको पसंद आएगी आपको ज़रूर से अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को फाइव आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को सेवेंटी एट थाउजेंट एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग के बारे में उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हुलू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओर टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडरवर्ल्ड वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अंडर ब्लड वॉर्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अना फायरस्टर ने एना फॉयरस्टर जो कि एक जर्मन वॉर्न अमेरिकन फिल्म तो एंड टेलीविज़न सीनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड ओवराइट ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिनसेल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लेस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वांडमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज है अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्मस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकिल सेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोब्यास मैनजीस ने मारियोस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड डेसी हेड ने एक्सिया का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक, एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज़ अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको ये मूवी आएगी एंड यह मूवी अंडर एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडर वर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडर वर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो तो काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो तो ज़रूर से आपको पसंद आएगी आपको जरूर से अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को फाइव पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को सेवेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग के बारे में उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप अंडर ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हुलू के ओर टी पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडर वर्ल्ड व्लड वर्ल वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अना फायर ने एना फायर जो कि एक जर्मन वॉर्न अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविज़न सीमाइटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केएल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड ओ ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिनसेल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लिस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वांडमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज है अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्मस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकिनसेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है <ometers> उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड डेसी हेड ने एक्सिया का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको ये मूवी आएगी एंड ये मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो so, काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो जरूर से आपको पसंद आएगी आपको जरूर से अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को फाइव पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को सेवेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो so यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग uh, के बारे में उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो so इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हुलू के ओर टी पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओ प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडर वर्ल्ड वर्ल ब्लड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्नों ने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अन्ना फॉयरस्टर ने एना फॉयरस्टर जो कि एक जर्मन वार्न अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविज़न सीनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड वोराइट ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिनसेल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लिस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वांडमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्म और डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो so उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकिनसेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड डेसी हेड ने क्सिया का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको ये मूवी आएगी एंड ये मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो तो काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो तो जरूर से आपको पसंद आएगी आपको जरूर से अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को 5.7 पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को 78 एट थाउजेंट एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग के बारे में उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हुलू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओर टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडरवर्ल्ड वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अंडर ब्लड वॉर्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कि डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अन्ना फायरस्टर ने एना फायर जो कि एक जर्मन वॉर्न अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविज़न सीनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड वोराइट ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिनसेल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लिस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वांडमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्मस और डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकिनसेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का कैरेक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडली जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड डेसी हेड ने एलेक्सिया का करेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक, एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको ये मूवी आएगी एंड यह मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो so, काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडर ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो so, ज़रूर से आपको पसंद आएगी आपको ज़रूर से अंडर ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को फाइव पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को सेवनटी एट थाउजेंट एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग के बारे में उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आप अंडर ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही साथ हुलू की ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओर टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को जरूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अना फॉयरस्टर ने एना फॉयरस्टर जो कि एक जर्मन वॉर्न अमेरिकन फिल्म तो एंड टेलीविज़न सीनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड ओवराइट ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लिस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सैनमेटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वार्डमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज है अंडर वर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्मस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकिल सेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड डेसी हेड ने एक्सिया का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक, एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज़ अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद है, आपको ये मूवी आएगी एंड यह मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडर वर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडर वर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो so, काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो so, जरूर से आपको पसंद आएगी आपको जरूर से अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को फाइव आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को सेवेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग uh, के बारे में उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हुलू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडर वर्ल्ड व्लड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अंडर वर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्नों लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अन्ना फायरस्टर ने एना फायरस्टर जो कि एक जर्मन वार्न अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविज़न सीनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड ओवराइट ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिनसेल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लेस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट की है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वांडमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज है अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्मस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकिल सेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोब्यास मैंजिस ने मारियोस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड डे हेड ने एक्सिया का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको ये मूवी आएगी एंड यह मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो so, काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो so, ज़रूर से आपको पसंद आएगी आपको जरूर से अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को फाइव आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को सेवेंटी थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग uh, के बारे में उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप अंडर ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हुलू के ओर टी पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडर वर्ल्ड व्लड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अन्ना फायर ने एना फायर जो कि एक जर्मन वार्न अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविज़न सीमाइटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केएल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड ओ ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिनसेल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लिस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सरमाइटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वांडमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज है अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्मस और डिस्ट्रीब्यूट किया इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकिनसेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का करेक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड डेसी हेड ने क्सिया का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक, एक, एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज़ अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद है आपको ये मूवी आएगी एंड ये मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो so, काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो so, जरूर से आपको पसंद आएगी आपको जरूर से अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को फाइव पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को 78 एट थाउजेंट एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो तो यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग के बारे में उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप अंडर ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हुलू के ओर प्लेटफॉर्म पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओर टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडरवर्ल्ड वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अंडर ब्लड वॉर्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अन्ना फॉयरस्टर ने एना फॉयरस्टर जो कि एक जर्मन वॉर्न अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविज़न सीनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड वोराइट ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिनसेल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लिस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सैनमाइटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वांडमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फ़िल्म और डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकिनसेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का कैरेक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड डेसी हेड ने क्सिया का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक, एक, एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको ये मूवी आएगी एंड ये मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो so, काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो so, ज़रूर से आपको पसंद आएगी आपको जरूर से अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को 5.7 पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को 78 एट थाउजेंट एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग के बारे में उसके आगे बात की है कि कहाँ पर आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हुलू के ओर टी प्लेटफॉर्म पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओर टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज़ हुई मूवी अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडरवर्ल्ड वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अंडर ब्लड वॉर्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को किन्होंने लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अना फायरस्टर ने अन्ना फायरस्टर जो कि एक जर्मन वॉर्न अमेरिकन फिल्म तो एंड टेलीविज़न सीनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड वोराइट ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिनसेल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लिस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमैटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सनमैटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वांडमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेकश और एंटरटेनमेंट स्केच फिल्मस और डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकनसेल ने सेलिन का करैक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने सामीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड डेसी हेड ने एक्सिया का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक, एक, एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको ये मूवी आएगी एंड यह मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडर ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो ज़रूर से आपको पसंद आएगी आपको ज़रूर से अंडर ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को फाइव पॉइंट सेवन आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को सेवेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग uh, के बारे में उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आप अंडर ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हु के ओर टी पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओ टी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो मूवी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू में रिलीज़ हुई मूवी अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स के बारे में ये मूवी बड़े ही 2017 में रिलीज़ हुई हो लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग अंडर वर्ल्ड वर्ल ब्लड वार्स मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी अंडर वर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी को देखना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में आपको बताएंगे कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में देखने को मिल जाता है एंड बात करेंगे इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कि उन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को कि लिखा है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे एंड बात करेंगे कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया है एंड साथ ही में बात करेंगे इस मूवी के कि कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो so वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को डायरेक्ट किया है अना फायरस्टर ने एना फॉयरस्टर जो कि एक जर्मन वॉर्न अमेरिकन फिल्म एंड टेलीविज़न सीनेमाटोग्राफर एंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने कि 1996 में इंडिपेंडेंट डे मूवी को बनाया था एंड उसके आगे भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है स्क्रीन प्ले लिखा है अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का कॉरी गुडमैन ने एंड स्टोरी लिखी है इस मूवी के केल वार्ड ने एंड कॉरी गुडमैन ने और प्रोड्यूस किया है इस मूवी को टॉम रॉजनबर्ग ने गैरी लुचेसी ने लैन वाइजमैन ने रिचार्ड ओवराइट ने एंड डेविड कर्न ने और, और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे सबसे पहले लीडिंग रोल में केट बैकिन देखने को मिल जाते हैं उसके आगे थियो जेम्स देखने को मिल जाते हैं लारा पल्वर देखने को मिल जाते हैं एंड जेम्स फॉल फॉलकनर भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं एंड चार्लिस डांस भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात करें तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है कार्ल वाल्टर लेंडन लॉब ने और एडिट किया है इस मूवी को पीटर अमंडसन ने और म्यूज़िक किया है इस मूवी का माइकल वार्डमैचर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी के स्क्रीन जेम्स लेक श एंटरटेनमेंट स्केच फिल्मस और डिस्ट्रीब्यूट किए इस मूवी को सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग ने एंड फालकोन ने रिलीजिंग डेट है इस मूवी का सिक्स जनवरी टू थाउजेंड सेवनटीन रनिंग टाइम है इस मूवी का नाइन्टी वन मिनट्स और बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अंडर वर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी का बजट थर्टी फाइव से लेकर 81.1 मिलियन डॉलर का रहा था सो उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर इस मूवी में निभाया है सबसे पहले लीडिंग रोल में केट केट बैकिल सेल ने सेलिन का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे थियो जेम्स ने इस मूवी में डेविड का कैरेक्टर निभाया है एंड उसके आगे लारा पल पल्वर ने समीरा का करैक्टर निभाया है एंड तोबियास मैंजीस ने मारियोस का करैक्टर इस मूवी में निभाया है एंड ब्रैडले जेम्स ने बारगा का करैक्टर निभाया है एंड पीटर एंडरसन ने बाइडर का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे जेम्स फॉल्कनर ने कैसियन का कैरेक्टर निभाया है एंड हेड ने नेक्सिया का कैरेक्टर इस मूवी में निभाया है उसके आगे बात की है जॉनर की तो अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी एक एक्शन हॉरर मूवी है एक्शन हॉरर मूवीज अगर आपको देखना पसंद है तो ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो काफ़ी पसंद आपको ये मूवी आएगी एंड यह मूवी अंडरवर्ल्ड एक पूरी मूवीज़ की सीरीज़ है अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइजी है उसका सेकंड पार्ट है उसका सीक्वल है अंडरवर्ल्ड अवेकनिंग मूवी 2012 में आई थी सो तो काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वार्स मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ अन्ना फॉरस्टर ने इस मूवी को कमाल का डायरेक्ट भी किया है और कॉरी गुडमैन ने काफ़ी बढ़िया स्क्रीन प्ले भी इस मूवी का लिखा है और एक्ट्रेस ने भी कमाल का परफॉर्मेंस अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी में किया है सो तो ज़रूर से आपको पसंद आएगी आपको जरूर से अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी देखना चाहिए उसके आगे बात की जाए आई रेटिंग की तो आई पर इस मूवी को फाइव आउट ऑफ टेन का रेटिंग मिला है जो कि एक अच्छा रेटिंग हो जाता है एंड इस मूवी को सेवेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी थ्री लोगों ने वोट्स भी किया है सो यह कुछ बात हो गई वो रेटिंग uh, के बारे में उसके आगे बात की जाए कि कहाँ पर आप अंडरवर्ल्ड ब्लड वॉर्स मूवी को देख सकते हो सो इस मूवी को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हो साथ ही के साथ हुलू के ओर टी पर भी आपको यह मूवी देखने को मिल जाती है सो इन ओ रीटी प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को ज़रूर से देख लेना आपको ज़रूर से पसंद आएगी आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना